हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत सारे भाइयों ने मेरे कमेंट किया था कि चिलर का टनेज कैसे पता करें। किसी भी चिलर का अगर हम लोगों को टनेज देखना है कि कितने टन का है चिलर सिस्टम हमारा या कंप्रेसर, तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे? या और भी अगर कोई HVAC सिस्टम है, अगर कोई एयर कंडीशन है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, चाहे वो काम सीखते हों, चाहे वो ट्रेनिंग लेते हों, चाहे वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, या कोई हमारे भाई कहीं साइट पे काम कर रहे हो, तो उनके लिए ये बहुत ही काम की वीडियो है। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कई तरह के चिलर आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई तरह के चिलर आते हैं। एयर कूल्ड चिलर आता है, वाटर कूल्ड चिलर आता है, यॉर्क का चिलर आता है, कैरियर का चिलर आता है, SKM का चिलर आता है, ट्रेन का चिलर आता है, स्क्रू कंप्रेसर वाला चिलर आता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वाला चिलर आता है। मतलब बहुत सारे उसके जो मॉडल्स होते हैं वो होते हैं। और जो दूसरे की बात करूँ, अगर मैं किसी AC की, तो पैकेज AC की मान लेते हैं, स्क्रोल कंप्रेसर भी होते हैं उसमें, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी होता है सेमी शील्ड वाला, या अगर स्प्लिट की बात करूं तो उसमें भी हर्मेटिक कंप्रेसर या रोटरी कंप्रेसर होते हैं। तो हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट देखने होते हैं कि जो हम लोगों को उसका टनेज मालूम हो जाए, नहीं तो थोड़ा बहुत हमको मालूम चल जाएगा ये कितने टन का है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये यॉर्क का चिलर है, एयर कूल्ड चिलर है, और इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, और ये तकरीबन 338 मतलब 338 टन का है। वो भी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा उसके नेम प्लेट से। तो आप लोगों को हमेशा किसी भी कंपनी के चिलर पर काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उस चिलर का नेम प्लेट चेक करना है। नेम प्लेट अगर आप लोगों को नहीं मिले तो आप लोग कहीं से उसका कैटलॉग निकाल लें, या इंटरनेट पर भी नेम प्लेट मिल जाता है अगर आप उसका मॉडल नंबर सर्च करेंगे। तो नेम प्लेट से क्या होगा कि कभी भी आपको चिलर में ज़्यादातर दो तीन चीज़ें खास करके आती है चिलर में। एक आपको क्या होगा कि कूलिंग कैपेसिटी वाटेज में दिखाएगा, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस चिलर पे भी कूलिंग कैपेसिटी किलोवाट में लिखी हुई है, और किसी चिलर पे आपको कूलिंग कैपेसिटी अगर किलोवाट में नहीं है तो उसके मॉडल नंबर से मालूम चलेगा आपको कि ये इतना टनेज का है। और अगर किसी में आपको किलो किलोरी लिखा रहे तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। BTU बहुत कम होता है चिलर में, ज़्यादातर किलोवाट होता है। और कंप्रेसर का जो है वो हम लोग HP से देखते हैं कितने HP का कंप्रेसर है। अक्सर ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और स्क्रू कंप्रेसर के जो स्टेटर होते हैं वो HP होते हैं, और उसका किलो वाट लिखा हुआ होता है कंप्रेसर के ऊपर, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक काम करता हूँ, इधर स्क्रीन पे मैं लगाता हूँ नेम प्लेट 30XA चिलर। आप लोग जानते होंगे कैरियर का 30XA चिलर, इसका मॉडल मैं मार्किंग कर दूंगा। मॉडल पे आप लोग पढ़ लेंगे कि मॉडल पे क्या लिखा हुआ है। तो 30XA का जो है मॉडल नंबर है वो आगे का है, उसके आगे जो आप देख रहे हैं 0702 या 0802, ये क्या है, उसका किलोवाट है। तो कभी भी आपको क्या करना है कि जैसे ये जो मेरे पीछे चिलर है ये 1188 किलोवाट है, 1188 किलोवाट, और जो मैं आपको 30XA का करियर का चिलर का जो नेम प्लेट दिखा रहा हूँ उस पे 702 किलोवाट है, ठीक है। तो किलोवाट को हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, 3.51, आप लोग 3.1 से भी कर लेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो अगर ये जैसे 1188 वाट है, या कैरियर का जो 702 किलोवाट है उसको 3.51 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि वो कितने टनेज का है। एक तो ये होगी बात, इसका मैं बाद में दिखाऊंगा। फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 30GX का, कैरियर का जो 30GX है, कैरियर के 30GX में, कैरियर 30GX 152, ये जो लिखा हुआ है इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसमें मॉडल नंबर से आप लोगों को मालूम चल जाएगा। ये 150 टन का होता है तो इसमें मॉडल नंबर में ही इसका टनेज दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और अगर हम कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर के भी स्टिकर मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कि कंप्रेसर के स्टिकर में अक्सर आप लोग देखेंगे कि उसमें किलोवाट होता है। तो किलोवाट जो उसका पावर का किलोवाट रहेगा, मान के चलिए कि 500 किलोवाट से मान लीजिए 1200 किलोवाट, 2000 किलोवाट, तो उसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे कि HP में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं
कि अगर 1 किलोवाट है तो उसको हम लोग जो हमारा एचपी होता है, जो 1 HP होता है वो 746 वाटेज होता है। मतलब 1 किलोवाट को अगर हम 746 से डिवाइड करेंगे तो 0. ऐसा समथिंग आ जाएगा, मतलब कि जो 1. समथिंग आ जाएगा, मतलब ये है कि 1 किलोवाट में 1. कुछ एचपी होता है। 746 वाट का 1 HP होते हैं और 1000 वाट का 1 किलोवाट होता है। तो इस तरीके से आप लोग कंप्रेसर के लिए आप एचपी उसका निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसी पैकेज एसी की, तो उसमें अक्सर ज़्यादातर जो होता है वो BTU यूज होगा या किलो कैलोरी यूज होगा। तो किलो कैलोरी जो होता है उसमें क्या होता है कि 3024 किलो कैलोरी, मतलब 3024, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं अंदाजन आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि तो उसमें 3024 3024 किलो कैलोरी का 1 टन होता है। और अगर हम बात करें BTU की, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU पर आवर वो होता है 1 टन। तो आप लोग को अगर कहीं पर मिलता है मान के चलिए 80,000 BTU, तो 80,000 BTU को अगर हम 12,000 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा वो कितने टन का है। और अगर किलो कैलोरी है, मान के चलिए कि अगर 15,000 किलो कैलोरी है, 15,500 किलो कैलोरी है, तो उसको हम लोग 3024 से डिवाइड करेंगे तो उसके टनेज का हम लोग को मालूम चल जाएगा। और कई बार स्प्लिट एसी वगैरह में भी इस तरह की जो किलोवाट है वो लिखा हुआ होता है, वहां से आप लोग 3.51 किलोवाट। कूलिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं, किलोवाट में आपका पावर का बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए आपको कूलिंग कैपेसिटी चेक करना है। कई भाई हमारे ऐसे भी जो सोचते हैं कि नहीं यही पावर वाला किलोवाट, नहीं, उसमें कूलिंग कैपेसिटी अलग होता है और जो पावर का कैपेसिटी होता है वो अलग होता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। एक और तरीके बताता हूँ कि अगर आप लोग, कई बार क्या होता है कि LRA जो होता है ना, LRA जो लोड रनिंग एम्पियर होता है, तो उससे कई बार हम लोग को एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये कितने टन का होगा। जैसे अगर मैं सिंगल फेज की बात करूँ, तो सिंगल फेज में जो 36 LRA होता है उसका मतलब 1 टन माना जाता है। और जो 3 फेज है 440 वोल्ट जो है, उसमें जो 12 LRA है उसको तकरीबन 1 टन माना जाता है। मान के चलिए कि 96 LRA का अगर कंप्रेसर है तो उसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 टन आएगा। लेकिन इसमें कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए कई बार उसको मॉडल से भी कन्फर्म करना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को इस वाला जो हमारे चिलर है इसका स्टिकर में प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे इसमें कूलिंग कैपेसिटी किलोवाट में लिखी है। तो चलिए मैं आप लोगों को उधर लेके चलता हूँ।